हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताने वाला हूँ फुट नोट और एंड नोट। ठीक है ना, फुट नोट और एंड नोट का किस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, देखा जाए तो दोनों सेम ही टूल होते हैं, दोनों काम सेम करते हैं, बट सो अलग अलग जगह पे होते हैं। ठीक है ना, इसकी हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे आप माउस लेके किसी भी टूल पे जाते हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब माउस लेके यहाँ पे गए, इसके बारे में देखो थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ रहा है। अब माउस लेके जाओगे, इसके बारे में देखो नीचे लिखा हुआ रहा है। तो जैसे हमारा ये काम करता है, वैसे हमारा फुट नोट भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है MS, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है KB, यहाँ पे मैंने लिखा है और RAM MB, और यहाँ पे मैंने लिखा है, चलो हम चार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें मैं दो फुट नोट अप्लाई करूंगा, दो मैं एंड नोट अप्लाई करूंगा। ठीक है ना, फुट नोट पे यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो जैसे मैं इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करूंगा, याद रखना यहाँ पे आपका स्पेस नहीं होना चाहिए। अब फुट नोट पे जैसे क्लिक करोगे ना, अब देखो ये बोला कि MS के बारे में लिखो, तो मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट। अभी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, समझा दूंगा मैं आगे। ठीक है, यहाँ पे जाओगे किलोबाइट, समझ में आ गया। हमने दो एंड नोट अप्लाई कर दिए, अब दो फुट नोट अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे जाएंगे और एंड नोट पे क्लिक करेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना, मदरबोर्ड। ठीक है ना, अब देखो हमने दो एंड नोट अप्लाई करे, दो फुट नोट अप्लाई करे, बट जैसा माउस लेके MS पे जाओगे ना, बता देगा माइक्रोसॉफ्ट, बता रहे, जैसा आप KB पे जाओगे ना किलोबाइट, और RAM पे जाओगे ना रैंडम एक्सेस मेमोरी, MB पे जाओगे ना मदरबोर्ड, समझ में आ गया। अब ऐसे कोई जरूरी नहीं कि ये वर्ड आपके अलग अलग होने चाहिए, आपके वर्ड ऐसे हो सकते हैं। जैसा आपने एक पैराग्राफ ले रखा, पैराग्राफ के लिए आपको पता है हम रैंड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ वर्ड ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया पीसी, ठीक है, मैंने थोड़ा हाईलाइट करा उसको, बोल्ड करा हुआ, और मैंने यहाँ पे ले लिया और रैम, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं और रोम, ठीक है ना, और यहाँ पे हम ले लेते हैं डीवीडी, समझ में आ गया। अब दो पे मैं फिर से एंड नोट अप्लाई करोगे, दो पे फुट नोट क्लिक करोगे, फुट नोट पे क्लिक करोगे पर्सनल कंप्यूटर, ठीक हो गया, और यहाँ पे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक हो गया, और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं एंड नोट रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना, और यहाँ पे डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है ना। अब जैसा माउस लोग के पीसी पे जाओगे, बताएगा पर्सनल कंप्यूटर, और रैम पे जाओगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम पे जाओगे रीड ओनली मेमोरी, डीवीडी पे जाओगे डिजिटल वीडियो डिस्क, समझ में आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से हम एंड नोट फुट नोट का यूज कर सकते हैं।